हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। गाइज, अभी आपने जो प्रीव्यू वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। ये 3D स्टेटस के नाम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग को करने के लिए आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा। इसका जो जिप फाइल है, मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, तो आपको एडिटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फुल एडिटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, काफ़ी ईजी है स्टेप में। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिप फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया वो 32 के नाम से है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 32 का एक डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ, ताकि एक पे आपको एडिटिंग बताऊँगा और दूसरा यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला 32 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लोड प्रोजेक्ट जिप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गए 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड में चले जाइएगा। डाउनलोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम फाइल का जो डाउनलोड फाइल होता है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया वो 32 के नाम से मिलेगा। जैसे यहाँ पे 29 देख सकते हैं, इसी तरह से आपको 32 भी मिल जाएगा। तो सिंपली इसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा, नोट वीडियो में ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन होगा। अभी ये जो इस तरह से दिखेगा, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। गाइस, यहाँ पे मैंने जो एडिटिंग किया है, इसमें 3 ठो मॉडल इमेज का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉय का इमेज यूज किया है। तो आप इसे हैप्पी बर्थडे के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्टेटस सॉन्ग के साथ में, एटीट्यूड सॉन्ग के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैप्पी बर्थडे के साथ में भी यूज कर सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लगेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज 1 जो दिख रहा है, तो इसे अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपका जो इमेज 1 है, ये वाला होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज 1, ये फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इमेज 1 है। अब इस फोटो को आपको रिप्लेस करना है, उसके लिए क्या करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे टैप टू डिपिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो भी इमेज आप अपना लगाना चाहते हो, उस इमेज को सिंपली सेलेक्ट कीजिएगा, ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, इमेज आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। सो गाइस, रिप्लेस जब हो जाएगा इस तरह से, तो रिप्लेस हो चुका है। फोटो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज 1, ये वाला। अब इसे एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, सेट कर लीजिए अच्छी तरह से, कि देख लीजिए परफेक्ट लगे, देख सकते हैं परफेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद इस साइड में स्क्रॉल करिए, तो इमेज 2 दिखेगा। इसे आप यहाँ पे अगर देखते हैं, इमेज 2 ये वाला, ये वाला परफेक्ट। अब इसे भी रिप्लेस करना है, उसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करके रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, टैप टू डिपिक पर क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ से दूसरा जो भी इमेज आप लेना चाहे, उस इमेज को सिलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करेंगे, इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है परफेक्ट तरीके से। फिर यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से इस साइड में स्क्रॉल करके इमेज 3 को क्लिक कीजिए, 3 डॉट पर लाइन पर क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक कीजिएगा। टैप टू डिपिक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इमेज जो भी आप लेना चाहे, उसे सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए, और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है स्टेप में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप सॉन्ग चेंज करना चाहे, तो इस ऑडियो को सिलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोड फ्रॉम फाइल कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो कर सकते हैं। तो चलिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो फिर वीडियो करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, और यहाँ से जो भी ऑडियो का वीडियो आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे सिंपली सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसे आप चाहे तो इस साइड में रख ले सकतेगा, और यहाँ पे रूट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसका एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, रूट पे क्लिक करने के बाद ये एडो पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑडियो जो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, और जो यहाँ पे तो इसके बराबर में रखिएगा, ऑडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, ट्रिमर पर क्लिक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो ये सेकंड वाला, इसे सिलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। सॉरी, फर्स्ट वाला ही डिलीट हो गया, सेकंड वाला रह गया, ठीक है। तो ये रहा, नीचे वाले को सिलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। परफेक्ट, हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है। अब इसे आप प्ले करके देख सकते हैं। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए नीचे जो रूट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, ग्रीन बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।